हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बताने वाला हूँ कैसे एक नॉर्मल वीडियो के अंदर अपना 3D मॉडल कैसे इंपोर्ट करके उसका एनिमेशन करके रेंडर फाइनल निकाल के कैसे एक CGI की तरह एक वीडियो बना सकते हैं। जैसे ऐड चलते हैं उस तरीके से हम आज एक वीडियो को लेके अपने एक जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम नॉर्मल वीडियो के अंदर ऐड करके एकदम रियलिस्टिक बनाएंगे और वीडियो में पूरा ऐसा लगेगा कि 3D मॉडल उसके अंदर पहले से था, ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं हम थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए अपनी वीडियो को। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। बाकी जो मेरे जो अभी जो वीडियो जो मैंने डाली है उसके अंदर तो फाइनल है, बाकी इसके अंदर भी दिखा देते हैं क्या क्या है और इस चीज़ को किस तरीके से किया जाता है आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है तो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है मेरी बातें। तो चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं दोनों को एक मतलब स्टार्ट कर लेता हूँ और बताता हूँ आपको कि किस तरीके से अपने इस प्रोजेक्ट को किया जाता है। तो सबसे पहले जो है कि मतलब कि आपकी जो वीडियो है, कोई सी भी वीडियो है, आप उसको क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके उसकी डिटेल में आके चेक कर लीजिए कितनी उसकी विड्थ है, कितनी उसकी हाइट है और बाकी कितने फ्रेम पे वो रिकॉर्ड हुई है। तो उसकी आपको डिटेलिंग में आपको मिल जाएगा। आफ्टर इफेक्ट में आने के बाद आपको वहाँ पे सेम चीज़ वही डालनी है, ठीक है। और उसके बाद उसके आप वीडियो को चलाइएगा और वो उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद अपना स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ट्रैकिंग करनी पड़ती है वीडियो की जो भी आपने शूट किया है वीडियो का। तो नॉर्मली आफ्टर इफेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से और ईजिली तरीके से आसानी में वो भी बहुत कम टाइम में हो जाती है। तो आफ्टर इफेक्ट में अच्छे से हो जाती है, तो आफ्टर इफेक्ट में आप कर सकते हैं। अगर आप कैमरा ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट साइड में नहीं नज़र आ रहा तो आप विंडो पे क्लिक करके ट्रैक करके करके चेक होगा, आप उसको चेक कर दीजिएगा, आपको राइट साइड में यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे एडवांस में आके आप ये डिटेल एनालाइज को आप चेक इन कर सकते हैं ताकि वीडियो अच्छे से ट्रैक हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रैक हो रहा है, 17 सेकेंड, 16 सेकेंड, 15 सेकेंड रह रहे हैं, ठीक है। ये जब पूरा ट्रैक हो जाएगा तो ये एनालाइज इसको कर लेगा और फिर उसके बाद कैमरा सॉल्विंग का एक येलो कलर का आएगा। बाकी कई बार ऐसा होता है कि आपका रेड कलर में आता है और फिर वो कुछ कहते हैं कि एरर, वो इस वजह से होता है कि आपकी भी जो वीडियो है ना, आप वहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके डिटेल में जाके चेक कीजिएगा कि कितने में वो शूट हुई है, कितने फ्रेम पे वो शूट हुई है, आपको सब वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी सेम चीज़ वही आप जब आफ्टर इफेक्ट करेंगे, न्यू कंपोजिटिंग करेंगे तो आप सारी चीज़ सेम डालेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ट्रैक होने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आता है। जैसे आप कर्सर रखेंगे अपने स्क्रीन की तरफ तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये ट्रैकर पॉइंट्स, इन सब में एक ऐसा सर्कल टाइप का आ जाएगा रेड कलर का, ठीक है। अब ये आपको 3 पॉइंट्स को मिला के फिर आपका एक ओरिजिन सेट करने का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप जहाँ से आपको बेटर लगता है कि हाँ ये हमने एक उसका अच्छे से कर लिया है, मतलब इसका जो 3 डॉट है उसको हम सिलेक्ट करके वहाँ पे हम अपना जो 3D में जो वर्ल्ड ओरिजिन रहता है उसको वहाँ पे हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। कैमरा ट्रैकिंग बेसिकली ये चीज़ है कि जो आपकी जो वीडियो जो शूट हुई है वो उसका जो वीडियो शूट हुई है उसका एक कैमरा बना देता है, कैमरे के साथ जो वीडियो जो चली है उसका पूरा एक एनिमेशन बना देता है, की फ्रेम बना देता है, और जो कैमरा बन के निकल के आता है ना फिर वो चीज़ को हम 3D में लेके जाते हैं और फिर उसके बाद उसमें एनिमेशन करते हैं ताकि दोनों चीज़ एक साथ जुड़ जाए ना, तो बराबर ही लगे दोनों में। जैसे 3D मतलब जो नॉर्मल जो वीडियो शूट है उसका जो कैमरा जो एंगल और उसका जो एनिमेशन हिलावट हिलावट जो भी हुई है उसकी, वो सब एनिमेशन में बदल जाता है, ये कैमरा ट्रैकिंग वही करता है। किसी को कैमरा ट्रैकिंग बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि पहले मेरे को भी कैमरा ट्रैकिंग समझ में नहीं आती थी कि होता क्या है, जब तक मेरी चीज़ कोई समझ में नहीं आती ना ये है क्यों क्या है और कैसे, तब तक मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाता। फिर धीरे धीरे जब समझ जाता हूँ तब फिर मैं समझ जाता हूँ कि हाँ ये ज़रूरी क्यों है और क्या है, ठीक है। तो कैमरा ट्रैकिंग यही है बेसिकली, जितना मेरे समझ में आए कि मतलब कि जो हमारे जो हम फ़ोन का जो हिल रहा है वो एक तरीके से एनिमेशन ही तो है, कुछ भी हो रहा है हिल रहा है तो एनिमेशन ही है। तो जो हमारा जो रियल टाइम में जब हम शूट कर रहे थे तब वो जो जितना हिल रहा था वो उसका एनिमेशन क्रिएट करके दे देता है, और ये एनिमेशन क्रिएट करता है ये जितने भी हमारे जो स्क्रीन में जो पॉइंट्स हैं उन सबको ट्रैक करके, ठीक है। तो ये हमारा कुछ दे देता है। ट्रैक होने के बाद आप यहाँ पे अपना जो भी है ये सेट करने के बाद इन तीनों को सिलेक्ट करके आप इसे एक्सपोर्ट कर दीजिएगा और ब्लेंडर में जाके इंपोर्ट कर दीजिएगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में फाइल, ठीक है। आप उसको आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट वो कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा, फिर वहाँ से आप इजीली आप उसका एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट है JSON करके है,
तो ठीक है, तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे, आप ब्लेंडर के लिए भी मिल जाएगा, आफ्टर पैक के लिए भी मिल जाएगा। तो आप ब्लेंडर में ब्लेंडर के लिए डाल लीजिएगा, और आफ्टर पैक में, आफ्टर पैक वाली जो होगी वो आफ्टर पैक में इम्पोर्ट कर लीजिएगा। उसके थ्रू आप यहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल शिफ्ट ए करके मैंने यहाँ पे वही चीज़ जहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करी थी वो उठा के यहाँ पे डाल दिए। आफ्टर पैक में जो है वन से स्टार्ट होता तो ये जो जीरो से स्टार्ट होता तो जीरो रहेगा, और एक मतलब पीछे रहता है ब्लेंडर के। तो आप भी क्या कर लीजिएगा, इसको लेके आगे कर लीजिएगा। बाकी ये जो एनिमेशन पूरी बन के आई है वो 305 फ्रेम बन के आई है, क्योंकि जितनी वीडियो लंबी होगी उतनी उतना रहेगा। ठीक है, तो इसको मैंने बढ़ा दिया है, 305 पे कर दिया। और जो यहाँ पे अगर आपका अब रील फॉर्मेट है तो जैसा मतलब जो वीडियो का आप डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। सेम आपको 3D में वही इंपोर्ट करना है, आफ्टर इफेक्ट में वही करना है, ताकि सेम रहे, दोनों चीज़ कंबाइन हो जाए, 3D और जो आपका जो वीडियो शूट हुआ है वो दोनों एक साथ एकदम मैच रहे, तभी चीज़ बड़ी सही रहेगी। सही के मतलब कि वही चीज़ मेन रहेगी, जब दोनों चीज़ सेम रहेगी तभी मिल के एक चीज़ बनती है। ठीक है, अब वो उसका रेजुलेशन अलग है, उसका अलग है, उसकी हाइट अलग है, उसकी अलग है, तो वीडियो ही ख़राब हो जाएगी। जब दोनों का सेम रहेगा तभी चीज़ कंबाइन हो पाएगी। तो इस तरीके से जो है, जैसे आफ्टर इफेक्ट में यहाँ पे ये फेस हमने बनाया था ये सॉलिड, वैसे ही यहाँ पे आ गया, इंपोर्ट हो चुका है। अब वीडियो कैमरा को आपको सिलेक्ट करके वहाँ पे अपनी वीडियो डाल देनी है, और फिर यहाँ पे उसका क्या कहते हैं ओपेसिटी बढ़ा देनी है। अभी तक मैंने ये किया, तो अब मैं वीडियो की तरफ थोड़ा ध्यान देता हूँ। तो अब ये जो है मैंने इस सॉलिड को शिफ्ट डी कर लिया और उसकी की फ्रेम डिलीट कर ली है, और इसको मैं कुछ इस तरीके से एक्स एक्स, आप दो बार एक्स करेंगे ना तो जिसका वैसा है ना सही एक्स को छोड़ के ना फिर वो उसी का ले लेता है। तो आप डबल क्लिक कीजिएगा किसी भी एंगल पे कर रहे हैं, जैसे जेड जेड मैं अभी दो बार प्रेस करूँगा, ये देखिए जेड जेड, अब ये इसका ले लिया। तो अब मैं अभी स्केल कर रहा हूँ, अब उसके बाद मैं इसको पीछे की तरफ कर दूंगा ताकि जो हमारा जो पूरा जो रोड है उस पर ये अच्छे तरीके से बिछ जाए एक तरीके से। ठीक है, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद इस पे अभी जो है क्या, ये जो हमारे जो ये है ये जो बना है ये जो फेस सॉलिड है ये टेढ़ा है, बट जैसे जैसे कैमरा भी वो भी उसी के हिसाब से टेढ़ा ही है, तो बट जो वीडियो निकल के आएगी वो एकदम सीधी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे मैं सोचते कि 3D में तो ये टेढ़ा ही है, ये सीधा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो जैसा वीडियो शूट हुआ वैसे ही रहेगा। कार को मैंने कॉपी कर रखा था, इस कार को तो मैंने पहली वीडियो बना के आपको बता दी किस तरीके से बनती है आई वाली कार। ठीक है, तो इस कार को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया सिंपल यहाँ पे, और इस कार को मैं अल्ट जी करके उसका ओल्ड ट्रांसफॉर्म नॉर्मल वर्ल्ड ओरिजिन पे ही है, तो ये यहीं पे रहने देना, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ठीक है, फिर कर्व में जाके एक पाथ ले लेना, और पाथ को लेने के बाद उसको चेसी के साथ हमें इसे जोड़ना है। तो कंट्रोल टैब के साथ मैं पोज मोड पे आ गया और स्लैश दबा के सिर्फ आइसोलेशन मोड पे आ गया हूँ। ठीक है, तो सिर्फ चेसी को सिलेक्ट करना है, चेसी यही है जो सबसे नीचे जो रहती है एरो टाइप में, और आपको सबसे नीचे आगे वे जो बोन वाला है वहाँ पे आपको इसको इस मॉडिफायर को लगाना ही है। ठीक है, अब तो इस पाथ को सिलेक्ट करा और इसके फिक्स पोजीशन को चेक इन कर लिया और फॉलो कर्व को चेक इन कर लिया, और देखिए जिस तरीके से मैं 0 to 1 पे जा रहा हूँ तो जो पाथ का जो लास्ट वाला पॉइंट था और फर्स्ट वाला पॉइंट था वो वहाँ से वहाँ तक जा रही है। तो अब जो है अब यहाँ पे पूरा सेट हो चुका है, अब मैं कहीं पे भी कर्व को लेके जाऊँगा ना वो कार उसी को फॉलो करेगी। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं शिफ्ट ए करके पाथ तो ले लेते फिर उसका पोजीशन हटा देते फिर उसके बाद उसको जोड़ते हैं, तो क्या होता है फिर वो आगे पीछे आते हैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप अल्ट जी कीजिए वो डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएगी जहाँ पे उसका था, और अल्ट जी आर रोटेशन करेंगे तो नॉर्मल जैसे था वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं अपने हिसाब से मतलब जैसे मैंने देखा था वीडियो के अंदर कि वो डिवाइडर था और वो रोड उस पार और इस पार, तो इस साइड से गाड़ी आएगी और इस साइड घूम के इधर चली जाएगी, तो इस तरीके था ये। तो इसको मैं अभी कर रहा था, अभी तो ये ऐसा ही है, बट अभी मैं इसको काफ़ी चेंज करूँगा ताकि मेरे को जिस हिसाब से बेटर लगे उस हिसाब से मैं इसको करता हूँ। ठीक है, कोई वो तो है नहीं कि मतलब कि इसी हिसाब से करनी, तो इस हिसाब से जैसे अच्छा लगेगा वीडियो में आपको भी जिस हिसाब से एनिमेशन करनी है, क्योंकि आप अपने एनिमेशन के मालिक हो, आप कैसे भी कर सकते हो। इस फॉलो कर तो कर दिया मैंने, अब जो है ना मुझे इस कार को इस जो मैंने ये सॉलिड है इसको साथ इसको ग्राउंड सेंसर से कनेक्ट करना। ठीक है, सारे पॉइंट्स लेके मैं इस पे कर दूंगा और इसको मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ ताकि जो हमारी जो कार है कई बार सही से सॉलिड पे मूव नहीं करती, नीचे हो जाता है टायर ऊपर जाती है, तो प्रोजेक्ट कर देंगे ना आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोजेक्ट पे फिर वो उसके ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट ही कर देता हूँ।
तो इसको उठा के मैं सबको लेके जाऊंगा और प्रोजेक्ट पे क्लिक करते जाऊंगा सबका, ठीक है। तो कार देखिए किस तरीके से सॉलिड पे हमारा एकदम चिपक गई है, पूरा ग्राउंड का जो सेंसर है वो अच्छे से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि गाड़ी अंदर जा रही ऊपर जा रही, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, प्रोजेक्ट करने के बाद। और अब मैं 0 to 1 जा रहा हूँ, तो अच्छे से वो कर्व पे मूव भी कर रहा, और उस कर्व को छोड़ के जो ग्राउंड है हमारा जहाँ से हमने कनेक्ट किया वो उसके नीचे भी चल रहा है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और अगर आपका व्हील रोटेट नहीं कर रहा तो आप रिक कार में आके यहाँ पे व्हील को 0 to 1 कर देना, उसके बाद ये जो आपकी जो कार का जो व्हील है ये रोटेट करने लग जाएगा, ठीक। और इसके बाद अब जो है यहाँ पे मैंने इस सॉलिड को सिलेक्ट करना, और ये अभी मैं बताऊँगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी उस हिसाब से बताऊँगा। इसको तो मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि अब तो ये हमारे किस काम का है नहीं, ठीक है, इसको हाइड भी कर दिया और इसको रेंडर से भी बंद कर दिया। वहाँ पे आप जो कैमरा का जो आइकन दिख रहा है उसको ऑफ करेंगे तो वहाँ से वो रेंडर नहीं निकलेगा, ठीक। और ये जो सॉलिड है इसको मैं आऊँगा व्यू पोर्ट में करके ना, इसको ना मुझे इसको पहले तो आप अगर ईवी में रहेंगे तो वो ऑप्शन आपको नहीं नज़र आएगा, बट साइकिल में आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबिलिटी के अंदर यहाँ पे आपको शेडो कैचर के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा साइकिल में आने के बाद, आप इसको ऑन कर देगा फिर आप इसको क्या होगा ये रेंडर में ना ये सॉलिड नज़र नहीं आएगा, ये ना शेडो कैच करेगा जो भी आपका 3D मॉडल रहेगा। यहाँ पे मैंने एक HDRI इंपोर्ट किया ब्लेंडर किट से, आप ब्लेंडर किट डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना ब्लेंडर में, आपको ये दिख जाएगा, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, मॉडल भी ले सकते हैं, HDRI भी लगा सकते हैं, टेक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ना मेरे को यहाँ पे HDRI दिख रही है और मैं यहाँ पे फिल्म में आके मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो अब मेरे को सिर्फ वीडियो दिखाई दे रही है और HDRI नहीं दिखाई दे रही, HDRI की सिर्फ लाइट्स हमें जो भी उसका जो लाइट्स है जो उस भी उसके एनवायरनमेंट में जितनी रोशनी थी वो सब हमें नज़र आएगी, ठीक है। बाकी आप HDRI नहीं लगाना चाहते तो शिफ्ट ए करके आप लाइट भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। गाड़ी को मैंने इस तरीके से स्केल कर दिया और अपने हिसाब से मतलब जैसा मेरे को अच्छा लग रहा था वैसे हिसाब से मैंने इस कार को किया है, नहीं मैं ठीक है। देन अपने हिसाब से जैसे मैं कर्व को जहाँ जहाँ ले जाऊँगा वहाँ वहाँ कर वहाँ वहाँ रहेगी, एडजस्ट कर रहा हूँ मैं अभी कि कहाँ पे अच्छी लगेगी गाड़ी, कैसी है, कैसे घूमेगी, क्या है, ठीक है। ये कर्व को मैंने इस तरीके से किया कि कार जो है वो पीछे से आएगी रॉन्ग साइड से और फिर घूम के फिर दोबारा रॉन्ग साइड पे जाएगी, ठीक है। और इसको पूरा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, जितना जितना अच्छे से आप यहाँ पे डिटेलिंग में काम करेंगे ना उतना अच्छा आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। मेन वर्क इधर ही करना है, डिटेलिंग का काम डिटेलिंग में करोगे तो बढ़िया रहेगा क्योंकि सारी मेहनत यहीं करनी होती है। अगर इस पे अच्छे से काम नहीं किया और फिर जो रेंडर निकल के आएगा तो फिर जितनी मेहनत की वो सब बेकार हो जाती है, क्योंकि डिटेलिंग में थोड़ा बहुत अगर मेहनत कर लिया तो नहीं हो पा, ठीक है। तो अब जिस हिसाब से मेरे को अच्छा लग रहा है कि कार किस तरीके से फ्लो में घूमे ताकि हमारी जो कार है वो अच्छे से फ्लो के साथ आए और फ्लो के साथ निकल जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें इस कर्व को मैं अच्छे से चाह रहा हूँ कि अच्छे से रहे और इसको जो कर्व है ये बिल्कुल भी गाड़ी को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना कर दे, एकदम फ्लो में करे कार को एकदम फ्लो में आए वो और मुड़े और फिर उसके बाद वहाँ से निकल जाए, कुछ इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और जैसे देखिए प्ले करके देखते हैं। और हाँ एक चीज़ और बतानी थी मेरे को कि यहाँ पे ना जो वीडियो है ना जैसे कि वो पीछे जहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे ना दूर का नज़र सीन आ रहा है, तो वहाँ की सारी चीज़ें छोटी है और यहाँ जहाँ अंकल खड़े हैं यहाँ की चीज़ें बड़ी है क्योंकि वीडियो वो दूर है। तो हमें अपने 3D मॉडल को ना जितना दूर रहेगा ना उतना स्केल डाउन करके ना छोटा कर देना ताकि मैच कर जाए। अब वो अभी देखना वो कितनी बड़ी है, फिर उसके बाद जैसे वो पास आती है ना तो फिर वो छोटी हो जाती है, ताकि इसलिए अगर पीछे अब अगले से ध्यान रखना कि भाई जैसे पीछे रहेगा ये हमारा 3D मॉडल तो हम इन्वायरमेंट जैसे हमें वीडियो के अंदर सारे घर छोटे नज़र आ रहे हैं पीछे के और आगे के बड़े नज़र आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम पीछे 3D मॉडल को छोटा रखेंगे और आगे करके इसके एनिमेट कर स्केल करके कई फ्रेम लगा के बड़ा कर देंगे ताकि मैच हो जाए, ठीक है। तो मैंने तो नहीं किया था तो जो भी है। अब इसके बाद आती है बारी। हाँ अब देखने जहाँ पे ये गाड़ी मूव यहाँ से ये कट रही है तो क्या होता है कि गाड़ी स्लो हो जाती है, ठीक
है, तो गाड़ी स्लो जाती है क्योंकि वो टर्न कर रही है किसी तरफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी दो की फ्रेम लगा दिए इतने इतने पे। अब यहाँ पे बीच में आके इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके स्केल कर दूंगा, ताकि ये जो टाइम में जो आगे वहाँ से वहाँ तक गाड़ी जो पहुँची उनका टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए, तो ताकि गाड़ी स्लो चले, ठीक है। दो की फ्रेम लगाए, फिर उनके बीच में आके दोनों को सिलेक्ट करके स्केल कर दिया, ताकि वहाँ का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए, ताकि गाड़ी स्लो आए, ठीक है। और अब जो है कि जो यहाँ पे जो गाड़ी आ जाती है, उसके बाद क्या होता है कि जो गाड़ी आती है तो फिर उसके बाद वहाँ पे फिर टायर भी तो जो है वो रोटेट करेगा ना, राइट होगा फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न करेगा, तभी तो पता चलेगा, वरना तो फिर गाड़ी आई और ऐसी चली गई और टायर मूव ही नहीं का, तो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो मुझे जो टायर का जो है उसका भी एनिमेशन करना है, इसको तो मैं हाइड और रेंडर से हटा देता हूँ, ठीक है। और इस पे मैं आया तो एक मैंने यहाँ पे मैक्सिमम सैंपल 80 पे ही निकालता हूँ मैं, टाइम बचता है ना। तो अभी मैंने एक रेंडर करके देखा था किस तरीके से ये निकलता है, वही चीज़ है यहाँ पे। तो अब जो है इसको लिया और इसको तो हाइड कर दिया, और इसको लिया और रेंडर में गए। रेंडर में लेने के बाद अब इस जैसे ये जो था हमारा आर्मेचर, इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल टैब से पोज मोड में गया, और जितनी गाड़ी यहाँ पे आई ना इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऑटो, ये जो मैंने ऑन किया ना ये छोटा सा गोल सा, ये ऑटो की ये बहुत हेल्पफुल रहता है। यहाँ जहाँ पे आप क्लिक करते हो वहाँ पे की फ्रेम लगा देता है, आप बार शिफ्ट करके ऐड की फ्रेम रोटेशन रोटेशन नहीं करना पड़ता, बस जहाँ पे क्लिक करते वहाँ की फ्रेम लग जाएगा, तो बहुत टाइम बचता है इससे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको एक्स एक्सिस पे इसको ऐसे यहाँ पे बढ़ा दूंगा, यहाँ पे जैसे ही छोड़ूंगा वहाँ पे अपना आप की फ्रेम लग जाएगा, ऑटो की कहते हैं है ना। तो जैसे जिस तरीके से देखिए कि यहाँ पे जो गाड़ी है, यहाँ पे इसका जो टायर है नॉर्मल है, और फिर यहाँ पे जैसे अगले वाले की फ्रेम पे आता है तो उसका टायर जहाँ तक मैंने एक्स एक्सिस पे बढ़ाया था वहाँ तक रहेगा, फिर उसके बाद उसके आगे मैंने उसी की फ्रेम को कॉपी नहीं किया, तो इससे जैसे वो की फ्रेम वहाँ पहुँचता है फिर उसके बाद वो अपना आप रोटेट होने लग जाता है, जो अगली की फ्रेम उसको कैच कर रही है। ये देखिए किस तरीके से यह मुड़ गया, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो अब ये जो है मैंने की फ्रेम यहाँ पे लगा दिए हैं अपने कि कहाँ पे कितना टायर जो है वो रोटेट होएगा, ठीक है। और देन अब उसके बाद अब हमें क्या करने की, इसका जो आइस जो बनाया है वो सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ी बनाया है, उसका भी तो मैं एनिमेशन करूँगा ना, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे यहाँ तक ये गाड़ी आई, और जैसे ये 300 फ्रेम पार करती है ये गाड़ी क्रॉस कर जाती है वीडियो, ठीक है। और अब जो है इसके बाद मेरे को यहाँ पे ना इसकी जो आंखें हैं उसका एनिमेशन करना है, और मैं पीछे का तो नहीं करूँगा एनिमेशन, जब गाड़ी फ्रंट पे आ जाएगी यहाँ पे तब तभी मैं उसका लगाऊंगा, ठीक है, ताकि बेवजह मेरे को एनिमेशन करना बेकार लगता है। तो मैं जहाँ पे मेरे को दिखाना मेन वहीं पे मैं एनिमेशन करता हूँ। तो अब जो है मैं इस गाड़ी का जो आंखें हैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड मैं पूरी डिटेलिंग पे ध्यान दे रहा हूँ यहाँ पे कि मतलब कि कुछ भी गलती ना हो रेंडर करने से पहले। ये गई और ये खत्म, ठीक है सही है। हाँ अब आ गए सॉलिड मोड में, और अब जो है मैं जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे आता हूँ मैं शेप की में, और ऐसे बढ़ा के देखता हूँ कि होगी नहीं रहा होगी नहीं रहा, फिर पता चलता है मैंने कुछ और ही सेलेक्ट कर रखा है, वो शायद स्टिकर है गाड़ी का आँखों का वाइट कलर वाला, तो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। अब ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अब इसको सेलेक्ट करने के बाद ये जो है मैंने बना रखी है, इस पर तो मैंने वीडियो बना के डाली भी हुई है कि कैसे बनाई थी ये गाड़ी, तो इस गाड़ी का अगर आपको बनाना है तो आप देख सकते हैं जाके ट्यूटोरियल किस तरीके से, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से जब वो गाड़ी टर्न करती है तब उसका जो है ये आंखों का जो की फ्रेम है ये सेट करते जाता हूँ, ठीक है, और की फ्रेम लगाते जाता हूँ आंखें, पर जस्ट बंद कर रहा वो खोल रहा, और
और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसका मैं आंखों का है अपने हिसाब से जो भी मेरा दिल किया वो मैंने आंख ऊपर नीचे कर दी है, ताकि ऐसा लगे कि हाँ गाड़ी जिंदा है, ठीक है। तो अब जो है मैंने यहाँ पे जो कारों का जो आंखों का एनिमेशन था वो मैंने कर दिया है, ठीक है। तो मटेरियल प्रीव्यू में चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये जो है आंखें वो कर रही है, ठीक है। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे कार का आंखों का एनिमेशन हो चुका है। दो तीन की फ्रेम और लगाऊंगा मैं यहाँ पे। अब जो है वो हो चुका था, ठीक है। अब उसको मैंने रेंडरिंग पे लगा दिया, तब तक मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। इन दोनों को तो अब मैंने डिलीट कर दिया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक मैंने इसकी एक और कॉपी लिया आफ्टर इफेक्ट में आके, ठीक है। अब इसके पे क्या करेंगे, हम इसे ग्रिड का ऑप्शन ऑन कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर अच्छे से डिटेल में दिखाई देने लग जाए। और पेन टूल को लेंगे और जो यहाँ पर मेरी जो गाड़ी है मेरे को दिखाना है पीछे, तो मुझे आगे के ये चीज़ भी दिखानी है, वरना तो मैं अगर जो PNG मैंने रेंडर की है वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेके आऊँगा तो ये जो डिवाइडर है ना ये पीछे नज़र आया होगा, गाड़ी आगे नज़र आएगी। तो मैंने इसको एक वीडियो को कॉपी करा और यहाँ पे ना मास्किंग चालू कर दी, ये मास्किंग कर रहा हूँ मैं एक तरीके से। तो पेन टूल से मैं इसको सिलेक्ट करके और ये जो यहाँ पे खंभा आ रहा है इसको भी मैं लूँगा अपने मास्किंग में, ताकि जो गाड़ी है वो खंभे के पीछे से आते हुए नज़र आए, ठीक है। ये मैं पॉइंट्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये पूरा मास्क हो रहा है। तो मास्किंग हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। ये मैं नीचे वाली वीडियो ज़रा ऑफ़ करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है। अब ये मैंने ऑफ़ करी तो अब देखिए वो सिर्फ जितनी हमने सेलेक्ट करी थी वो सिर्फ नज़र आ रही है, ठीक है, और बाकी वीडियो नज़र नहीं आ रही जो बाहर की है। तो और बाकी जो नीचे वाली जो वीडियो है वो उसका काम कर देगी, ठीक। तो अब जो है यहाँ पर मैं आता हूँ इसमें, मास्क में आके यहाँ पे मैं एक बार वो लगा दूंगा, यहाँ पे की फ्रेम क्लिक करते की फ्रेम लगा दूंगा, ताकि जैसे मैं अपना आगे ऐड करता जाऊँ वो अपना आप वहाँ पे एनिमेशन का की फ्रेम लग जाए। यहाँ पे मैंने एक बार ऐसे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये लग गया की फ्रेम। अब मैं थोड़ा सा 30 सेकेंड में मैं इसका की फ्रेम लगाते जाऊँगा, ताकि मेरे को ज़्यादा मेहनत भी और कवर कर लेता वो मास्क, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेता, मतलब अलग नहीं होता, वो कर लेता कवर। अब ये देखिए मैं इसको ना उठा के ना यहाँ रख दूंगा,
क्योंकि जब वीडियो बढ़ती है तो हमारा जो मास्किंग है वो हट जाता, पोजीशन उसकी हट जाती है, तो इसे हमें पोजीशन में आके की फ्रेम सारे लगाने पड़ते हैं इसको, ऐसे दूर दूर करके जितने जैसे जैसे वीडियो बढ़ती आएगी। तो मैं 30 30 सेकंड में करता हूँ ताकि हो जाता, 30 30 सेकंड में कवर कर लेती है वो, 30 30 सेकंड कह रहा हूँ, एक एक सेकंड में जो हाफ हाफ है, 24 फ्रेम का है तो 12 के बाद, 12 फ्रेम के बाद। तो अब जो है यहाँ पे मैंने सारे जो मास्किंग के हैं ये सारे एडजस्ट कर लिए अपने हिसाब से, वीडियो की जितनी जितनी है, ठीक है। तो अब ये जो हमारी जो मास्किंग है ना ये भी एनिमेट हो चुकी है, कि अपने आप जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी वो मास्क अपने आप को कवर करता जाएगा वीडियो में, ठीक है। देखिए की फ्रेम ना वहां लग गया, ठीक है। आप वीडियो में देख के समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और अब जो है ये देखिए मास्किंग जो है पूरी वीडियो को साथ साथ लेके चल रही है। अब जो है वो जो मैंने जो रेंडर किया है अपना ब्लेंडर के अंदर जो एनिमेशन कार का, उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, जहाँ पे मैंने रेंडर किया वहाँ से सिलेक्ट किया फाइल और यहाँ पे आके इंपोर्ट कर दिया। अब ये कंपोजिटिंग आ चुकी है हमारी, ये रेंडर फाइल आ चुकी है। अभी मैंने उठा के ना बीच में रखी है वो जो ऊपर जो मास्किंग है उसके नीचे और जो वीडियो है उसके ऊपर, ठीक है। तो वीडियो के ऊपर रहेगी तो हमारी वो दिखाई देगी, और जो हमारी जो कार है वो मास्किंग के जो पीछे रहेगी वो वहाँ से नजर आएगी, ठीक है। तो आप वो देखिए वो जो कार है वो उसके उसके ऊपर है, लेयर का यहाँ पे खेल है, जो मास्किंग है वो ऊपर है तो गाड़ी के वो पीछे दिखाई दे रही है, और जो हमारी जो कार है वो वीडियो के ऊपर है तो इसलिए वो उसके ऊपर नजर आ रही है, जो है PNG हमारी जो कार की एनिमेशन की, ठीक है। तो अब ये देखिए वो जो हमारा जो डिवाइडर हुआ है वो उसके पीछे ही लग रही है हमारी कार, क्योंकि हमने मास्किंग कर दी है वीडियो की, ठीक है। तो अगर आपकी वीडियो में कुछ चीज़ ऐसी है जो आपके मॉडल के आगे आ रही है, वो आगे आ रही है बट वो नज़र पीछे, वो एनिमेशन आपके 3D मॉडल के, 3D मॉडल उसके आगे आ रहा है, तो आप मास्किंग के थ्रू उसको पीछे कर सकते हैं। मास्किंग करने के बाद उसको ऊपर कर देना अपने जो रेंडर किया आपने 3D, तो वो उसके ऊपर हो जाएगा, तो उसके बाद वो उसके पीछे 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 दिखाई देगी, ठीक है। जिस जैसे इस तरीके से हुआ, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं आपकी कैसे वो कार है वो डिवाइडर के पीछे भी चली गई है, और हमारी जो एनिमेशन वो एकदम रियल लग रही है इस वीडियो में, कि पहले तो कार नहीं थी, अब हमने ये 3D का ऐड किया यहाँ पे, तो ये किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी वीडियो के अंदर अपने 3D मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं और CGI एड्स बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक बेसिक ट्यूटोरियल कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं एक एडजस्टमेंट लेयर लेके इसको इफेक्ट में आके यहाँ पे इसका कलर वाला एडजस्ट अपने हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा ब्राइट ब्राइट किया है मैंने, अब ये देखिए लेयर के यहाँ पे ये जो मैंने एडजस्टमेंट लेयर रखी है वो मास्किंग के नीचे ले रखी है, और जो वो जो डिवाइडर है वो काला रहेगा और बाकी वीडियो ब्राइट हो जाती है। तो फिर उसके बाद में इस लेयर को उठा के मैं सबसे ऊपर रखता हूँ ताकि सारे लेयर नीचे हैं, तो सब वो देखिए वहाँ पे कैसे वो डिवाइडर के बाद एक कोना ऐसे वाइट हो रहा है। अब ये मैं इसको उठा के ऊपर रख दूंगा तो वो उसके अंदर आ जाएगा, लेयर का खेल है, ठीक है। वो देखिए वहाँ पे कैसे वो कर रहा, वाइट कर रहा, अभी मैंने इसको ऊपर कर दिया तो उनने उसको भी कवर कर लिया, ठीक है। तो अभी जो है हमारे यहाँ पे बन चुकी है, ये देखिए ऊपर गया मैंने वो भी इसको ऊपर लग गया, तो लेयर ऊपर नीचे करेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बेसिक नॉलेज आपको आगे होगी कि किस तरीके से आप अपने नॉर्मल वीडियो के अंदर 3D एनिमेशन को, मॉडल को लगा सकते हैं अपने वीडियो के अंदर, ठीक है। तो
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ब्लेंडर सीख सके, ठीक है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, आज हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत आती है बनाने में तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी मदद करूँगा इंस्टा पे जितनी मेरे से हो चुकी है। और बाकी अगर आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए होगा ब्लेंडर से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टा पे बताइएगा, मैं उस पर आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो बाय बाय।